परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ। दस और चलना रेडी होने के लिए, जाने के लिए, क्योंकि सब कुछ पैक हो चुका है। तो आज है मेरे दोस्त की शादी और उसकी तैयारी में लगा हुआ। इस मिरर स्टैंड पे इतनी जिम्मेदारियां रखी हुई हैं कि इस कैमरे का भी एक और जिम्मेदारी उठा नहीं पा रहा, तो फाइनली फिर भी रखा गया। और पापा पीछे पूजा कर रहे हैं तो सोचा क्या करूँ, फेस वॉश करके हो गया और मैं ये चमक रहा हूँ, मौसम भी चमक रहा है। और बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं, कमेंट करना। ये ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये दूसरी तरफ ये देखो, ये शूज कैजुअल। चीकू कैसे खड़ा होके, साड़ी। जिस दोस्त की शादी में मैं जा रहा हूँ वो 10th क्लास में मुझे मिला था, और उस समय वो और मैच्योरिटी एक दूसरे से वास्ता नहीं रखते थे, लेकिन आज वो शादी करके ऐसा फील करवा रहा है कि वो और मैच्योरिटी दोनों साथ साथ हो गए। और अभी आधा घंटा और है, और मैं आ गया बोगाई गांव, जहाँ पे चीकू और मेरे दोस्त को दोनों की मन की शांति प्राप्त हुई थी, चीकू को टट्टी करके और मेरे दोस्त को शादी करके। और यहाँ समझ नहीं आ रहा कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है, आगे से इधर से उधर। मैम बाहर जाने का रास्ता किधर से, ये पार करना पड़ेगा क्या, ये पार करना पड़ेगा क्या, ये जो इधर फ्लाईओवर है पार करना पड़ेगा क्या? मतलब बोगाई गाँव जाना है ना? अच्छा, आज मेरे दोस्त का घी दारी हो रहा है, इसको कहते हैं शादी से पहले आग में घी डालना। अब ये कड़कनाथ मुर्गा तैयार हो रहा है, तो मैरिनेशन तो चलेगा ना। अब मैरिनेट करने के लिए पहले उसको धीरे धीरे हल्दी लगाया जा रहा है, और उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई किया जाएगा। दोस्त की शादी में डीजे वाले बाबू बना हुआ, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। ये जो कंबल दिख रहा है ये रात भर नहीं मिला हम लोग को, जो दूध था साला कुकुड़ के सूतल था। ये कल था, मतलब हल्दी का जो रिवाज होता है घिराड़ी होता है जो देखे, और हल्दी वाला रिवाज होता है 5 दिन। मतलब आज के डेट में वो शॉर्टकट में, मतलब 5 दिन का हल्दी 1 या 2 दिन में 5 बार लग जाता है, ये शॉर्टकट हो गया। चाय आ गया। अरे भैया पूरा ही तो ट्रे आ गया, रख रख देखा तो पहले कौन क्या है। भाई ये कैसा टेस्ट है? ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वो ले ले, ये वो ले, ये आओ तो रो बाकी जब से। अरे वो वाला रस जैसा, ये अच्छा लग रहा है। ये देखो चाय, मॉर्निंग परंपरा शादी वाला ये है, बढ़िया से लगना चाहिए। जो इंट्रो दे रहा है ना, इससे पता चलता है कि लड़का खुश है, गली मोहल्ला का भी इंट्रो दे रहा है यह चाय के बगान पे। ये बंगाली शादी है
और हम और सभी बारातियों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था बंगाली शादी, और ये जो हुलेरू कहते हैं शायद, पता नहीं क्या कहते हैं, कमेंट करना अगर जो बारात एंजॉय कर रहा था, सडन वे में एक गमछा मेरे गर्दन पे आया और मैं फूला नहीं समाया और चल दिया पटाखा फोड़ने को। ये सडन वे में ये मुकुट देखा तब जाके कंफर्मेशन मिला कि नहीं, ये बंगाली शादी ही है। यहाँ तो हिंदी मंत्र भी अच्छे से समझ में नहीं आते और बोल नहीं पाते, पीछे छूट जाते हैं, और ये लड़का आसामी में पकड़ रहा है। वाह। और यहाँ पे हो रही है शादी की सात रस्में और फेरे वगैरह हो रहे हैं, सात फेरे लगाकर प्रणाम करना। जय श्री राम, जय श्री राम। राम की शादी हो गई और हम जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि सुबह में ट्रेन है 9:45 में, और अभी टाइम अपना हो रहा है 2:10, और अगर नहीं सोया मे भी सुबह सोया रह जाऊँ, क्योंकि शादी के बाद बासी रात करके कुछ इन लोगों का फंक्शन होता है, सो इस वजह से, और रात में जा रहा हूँ। सो राम अपने ससुराल में एक बासी रात करके एक रस्म होता है जो कि बंगालीज में मनाया जाता है शादी के बाद, बासी रात कहते हैं उसे। और कल इसलिए मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि मेरा कल ट्रेन है सुबह में 9:45 में, तो मैं कुछ घंटे सो भी लूँगा तो एटलीस्ट सुबह उठ जाऊँ, फ्रेश हो जाऊँ। कि मेरा दोस्त बिहार से और जो मेरी भाभी जो अभी बन गई वो बंगाल की है, लेकिन वो रहता ये हाथ मेरा पेन हो गया था इस वजह से मैं इस हाथ से पकड़ा ये हाथ फ्री। तो कल मिलते हैं, तो मजा है, गुड नाइट। बैक टू द पवेलियन अपने घर के पास।